हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हो, फुल मून था, चंद्र ग्रहण भी था। मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया डेडिकेटेड, फुल मून के लिए भी और चंद्र ग्रहण के लिए भी मैंने वीडियो बनाया था। अगर आपने किसी वजह से मिस कर दिया है तो इस वीडियो का पहला कमेंट या फिर आई कैप्शन में आपको मिल जाएगा वीडियो का लिंक। ऑल्सो आज जो मैं टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ, ये टॉपिक ये है कि फुल मून का क्या असर हुआ है आपके पर्सन के फीलिंग्स पे या फिर आपके रिश्ते पे ओवरऑल ही, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, सो बट फिर भी ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है। तो अगर आपको पर्सनल, स्पेशली आपके पर्सन और आपके आपके बारे में पूछना है, आप दोनों के रिश्ते के बारे में पर्सनली आपको पूछना है, तो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैसेज करिए मुझे और आपको रीडिंग मिल जाएगी। ओके, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलता है और फर्स्ट कमेंट में भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि गाइज, मैं एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करती हूँ, स्पेल जार आपके लिए बना के देती हूँ, स्पेल ऑयल बना के देती हूँ, या फिर हीलिंग रिचुअल्स भी मैं करती हूँ, कैंडल रिचुअल्स। तो इनमें से किसी भी चीज़ को आप बाय करना चाहते हो, लेना चाहते हो, आप रीच आउट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पहले कमेंट में मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये तीन क्रिस्टल्स हैं, ये तीनों क्रिस्टल आप अगर पहनोगे, तीनों जो भी है, तीनों क्रिस्टल्स हैं, अगर आप एक साथ पहनते हो इसको, तो ये आपके करियर को ना कहाँ से कहाँ ले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ये है सिट्रीन, ये आपके लाइफ में ना अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, कॉन्फिडेंस लाता है आपके अंदर, हर अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करने के लिए रेडी हो जाते हो। चाहे आप जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब कर रहे हो लेकिन ग्रोथ चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो या बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो, आपके करियर के कोई भी इशूज़ है, नहीं है, आगे ना आए, इसके लिए आपको सिट्रीन पहनना चाहिए, तो आप ये भी ले सकते हो। फिर इसके साथ अगर आप ग्रीन एवेंचराइन पहनोगे, ग्रीन एवेंचराइन से क्या होता है, जैसे होता है ना कि हम सब कर रहे हैं लेकिन हमारा जो लक है वो साथ नहीं देता, तो ग्रीन एवेंचराइन आपके लक को ना एम्पलीफाई कर देता है, उसकी पावर को डबल ट्रिपल कर देता है, ताकि आपके करियर में आपका लक आपको साथ दे और आप जो आपको मिलना है, डिजर्व जो करते हो, सारी चीज़ें आपको मिले। पाइराइट क्या करता है, आपको अमीर बनाता है। साफ शब्दों में सिंपली अगर बताऊँ, ये आपको रिच बनाता है, पैसा खींच कर आपके लाइफ में लाता है, इसीलिए इसको मनी मैग्नेट बोला जाता है। इसीलिए जब आप ये तीनों क्रिस्टल्स पहनते हो, करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगी, लक का भी साथ मिलेगा और पैसा भी आएगा। तो जल्दी जल्दी ऑर्डर कीजिए, खुद मैं इसको एक्टिवेट करूँगी और आपको भेजूँगी। मेरा नंबर आपको अभी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कि इस फुल मून का क्या असर हुआ है, इस चंद्र ग्रहण का आपके रिश्ते पे, आपके पर्सन क्या असर हुआ है। फुल मून का, चंद्र ग्रहण का, स्पेशली फुल मून का क्या असर हुआ है आपके रिश्ते पे। माई लाइफ इज गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन राइट नाउ, डोंट यू डेयर डाउट माई फीलिंग्स फॉर यू। आई एम गोइंग थ्रू कार्मिक जस्टिस। इफ यू थिंक इट्स ओवर, यू आर 100% रॉन्ग। प्रोटेक्टिव एंड jealous about you because I love you. I really want to know what you expect and want from me. I have cherished all memories we shared together. I'm coming back soon with a solid offer. I have lost all hopes of you taking me back. Can't even stand the idea of you being with someone else. I think you have moved on with someone else. Okay, you are the one to blame for what happened. There's nothing left to say between us now. And last but not the least, you are on my mind 24/7. Each second I miss you. Wow. And bottom of the deck, my time will heal both of us from this unbearable pain. Okay, चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते करते हम इस रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइज, मैं टैरो रीडिंग नहीं सिखाती हूँ, क्योंकि बहुत आजकल तो बहुत रिक्वेस्ट आ रही है मेरे, मुझे पर्सनल मैसेजेस, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस, फेसबुक पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और इवन कुछ लोग कमेंट में भी पूछते हैं,
कि आप सिखाते हो? फिलहाल तो नहीं, क्योंकि देखो टैरो रीडिंग पहली बात तो मुझे लगता है कि एक गॉड गिफ्ट है, ये भगवान से एक गिफ्ट की तरह आपको ये पावर मिलती है, ये विजडम आपको मिलती है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि देखो कुछ चीज़ों का ना वक्त होता है, वो वक्त अभी मेरे लिए नहीं आया है, तो जब वो वक्त वो आज्ञा मुझे मिलेगी डेफिनेटली होगी वो चीज़। मुझे पता है आप बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हो, क्योंकि मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि वक्त आएगा तो सिखाऊंगी सिखाऊंगी, लेकिन को बहुत लोग मुझसे सीखना चाहते हैं। आई नो दैट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल, आई अप्रिशिएट कि आप लोग मुझे इतना लायक समझते हो कि आपको सीखना है मुझसे कोई स्किल या कोई चीज़। डेफिनेटली मैं इसके बारे में सोचूंगी, क्योंकि देखो मैं अकेली हूँ, ठीक है। चलो बुकिंग्स तो मेरी टीम हैंडल कर लेगी, बैचेस बनाने का काम मेरी टीम कर लेगी, लेकिन सिखाना मुझे ही पड़ेगा आपको, राइट। और थोड़ा क्या है पता है, मैं ना मेरा मेरा जो नेचर है ना वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट कह सकते हो या स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कभी हो सकता है किसी को ना ऐसा लगे कि यार ये टैरो रीडर है और इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती है या बहुत स्ट्रिक्ट है, तो हूँ मैं वैसी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा नेचर है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, ओके। तो हो सकता है कुछ लोगों को मेरा सिखाने का तरीका या समझाने का तरीका समझ ना आए या पसंद आए, बट डेफिनेटली जब मैं सिखाऊंगी पूरे दिल से सिखाऊंगी, और सारे जो मटेरियल चीज़ें हैं वो भी आपको प्रोवाइड करूंगी, ताकि आपको भटकना ना पड़े, आपके पास एक प्रॉपर सोर्स हो जहाँ से आपको चीज़ें मिल रही है, ओके। सो प्रॉपर प्लानिंग करूँगी मैं, और फिर उन चीज़ों को मैं एग्जीक्यूट करूँगी। मुझे पता है आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं अभी नहीं सिखा पा रही हूँ। कैंडल वैक्स रीडिंग भी बहुत लोगों को सीखनी है, कुछ लोगों को रून्स रीडिंग सीखनी है, मुझे और भी बहुत तरीके के रीडिंग्स आते हैं। एंड जैसे मैंने बोला ये गॉड गिफ्ट है, ये कुछ चीज़ें होती हैं ना जो सिखाई नहीं जाती, ये गॉड आपको एक गिफ्ट के रूप में देता है, ठीक है। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। माई लाइफ इज़ इतनी, मुझे चिड़चिड़ हो रही है ना, हमारे यहाँ पे किसी के घर में ड्रिलिंग चल रही है और दिन रात वो आवाज़ आ रही होती है। माई लाइफ इज़ गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन राइट नाउ, अब एब्सेंस मेंड, ओके। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, इस फुल मून के बाद से ना आपके पर्सन के लाइफ में बहुत उथल पुथल शुरू हो चुकी है, मतलब जैसे एक ट्रिगर मिल गया है इनके लाइफ को, ओके। बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत बदलाव आ रहे हैं बड़े लेवल पे। इनकी लाइफ डेफिनेटली पहले जैसे नहीं रही है, इस फुल मून ने इनकी लाइफ को बदल दिया है। ऑल्सो इनको और ज़्यादा आपकी याद आने लग गई है, और ज़्यादा ही आपको मिस करने लग गए हैं, आपकी जो कमी है इनको और ज़्यादा खलने लग गई है, और डेफिनेटली फुल मून के बाद से इनको और ज़्यादा ये फील होने लग गया है कि यार मुझे इस रिश्ते को फिक्स करना है, ठीक करना है, ओके। अच्छी बात है। डोंट यू डेयर डाउट माई फीलिंग्स फॉर यू, प्लीज़ इसके बारे में और बताइए। डिटैचमेंट एंड इरिप्लेसेबल, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनके पे इनके फीलिंग्स पे या इनके प्यार पे, इनके इमोशंस पे शक कर रहे हो, ओके। क्योंकि इन्होंने आपसे दूरी बना ली या फिर डिटैच कर लिया अपने आप को आपसे, क्योंकि उसके पीछे की रीज़न ये था कि उन्हें अपने माइंड को क्लियर करना था या कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना था, बट आपने में भी गलत समझ लिया, आपने में भी ये समझ लिया कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, या फिर वो आपको छोड़कर चले गए हैं और वापस नहीं आएंगे, या फिर उन्होंने कभी आपसे प्यार ही नहीं किया। तो ये डेफिनेटली ये जो चीज़ है ना, ये आपके पर्सन को बहुत गुस्सा दिलाती है कि तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैंने तुम्हारे साथ कभी प्यार ही नहीं किया या फिर टाइम पास किया, या तुम मेरे फीलिंग्स पे शक कैसे कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर आपके पर्सन को कर रही है चीज़, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन को ना जब भी आपसे दूर कर लेते हैं ना अपने आप को, या दूर हो जाते हैं आपसे, डिटैच कर लेते हैं अपने आप को आपसे, उतना ज़्यादा उनको ये चीज़ रियलाइज़ होने लग जाती है कि आप वन एंड ओनली हो, आपके जैसा कोई नहीं है, आपकी एनर्जी कोई मैच नहीं कर सकता, आपके प्यार को कोई मैच नहीं कर सकता, आपको मतलब आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। आई एम गोइंग थ्रू कार्मिक जस्टिस लर्निंग लेसन्स स्पेस अनफिनिश बिजनेस, येस डेफिनेटली फुल मून ने ट्रिगर कहीं ना कहीं इनके कर्मा को कर दिया है, क्योंकि कार्मिक जस्टिस
के थ्रू ये पर्सन गुजर रहे हैं, कुछ लेसन सीख रहे हैं, कुछ कर्मा सेटलमेंट हो रहे हैं इनके लाइफ में, जो भी इनके कार्मिक्स हैं उनके साथ, ओके इसीलिए ये स्पेस ले रहे हैं, इसीलिए ये आपसे दूर रह रहे हैं, या मे बी इनको और ज़्यादा टाइम चाहिए आपसे दूर, इसलिए रह रहे हैं क्योंकि इनको टाइम चाहिए टू यू नो लर्न दीज लेसन्स, या हीलिंग करने के लिए, या फिर इन चीज़ों को सेटल करने के लिए. क्योंकि इनको भले आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, लेकिन उनको ज़रा भी नहीं लगता ऐसा. ओके इफ यू थिंक इट्स ओवर यू आर 100% रॉन्ग. न्यू चैप्टर एंड कॉन्वर्जेशन. मैं बोल रही हूँ ना, ये पर्सन के लिए ये रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ है. बहुत कुछ कहना, सुनना, समझाना, समझना बाकी है. बहुत सी चीज़ें अभी रिजॉल्व नहीं हुई है आप दोनों के बीच में. और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मूव ऑन हो रहे हैं या अपनी एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तो आप गलत हो. ओके 100% गलत हो आप, क्योंकि ये पर्सन कभी मूव ऑन नहीं हो सकते आपसे, ठीक है. और ये आपको ये चीज़ें ना, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अब आपको कॉल करेंगे और ये सारी चीज़ें आपको बोलेंगे, आपके मुंह पे बोलेंगे कि तुम्हें लग रहा था ना कि रिश्ता ख़त्म हो गया, बट ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मूव ऑन हो ही नहीं सकता, मैं तुम्हारे सिवा किसी और को के बारे में सोच ही नहीं सकता. प्रोटेक्टिव एंड जेलस अबाउट यू बिकॉज आई लव यू. टाइम एंड डे ड्रीमिंग. देखो ये पर्सन जो भी है, ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर प्रोटेक्टिव है. ये आपको किसी और के साथ सोच नहीं सकते, ये किसी और के साथ आपको देख नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते. भले ही ये वक्त ले रहे हैं, इनको पता है ये बहुत रिस्क ले रहे हैं वक्त लेकर आपसे दूर रहकर, डेफिनेटली आपके साथ रिस्क ले रहे हैं, लेकिन डर रहे हैं एक्शन लेने से अभी फुल मून के बाद, क्योंकि उनको लग रहा है उन्होंने ऑलरेडी बहुत देर कर दी है. लेकिन जेलसी भी बहुत ज़्यादा है, डर भी लग रहा है इस पर्सन को कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए या फिर आप मूव ऑन ना कर लो, क्योंकि ये नहीं बोला पा रहे आपको, ये अपने दिमाग से अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं, दिन रात सोचते रहते हैं आपके बारे में. आई रियली वॉन्ट टू नो वॉट यू एक्सपेक्ट एंड वॉन्ट फ्रॉम मी. गिल्टी एंड ब्रोकन. देखो ये पर्सन को फुल मून ने ये एहसास तो दिला दिया है, ये लेसन सिखा दिया है कि ये गलत थे, इन्होंने ही इस रिश्ते का ये हाल किया है, इन्होंने ही आपको भी दुख दिया, खुद को भी दुख दिया, और उन्हें इस बात का गिल्ट भी फील होने लग गया है. बट ये अब जानना चाहते हैं आपसे कि अभी आप क्या चाहते हो इस वक्त, इस फुल मून के बाद ये पर्सन ये चॉइस आपको दे रहे हैं कि आप बताओ इनको कि आप क्या चाहते हो, ये सच में जानना चाहते हैं. ओके क्योंकि अभी ये पर्सन बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं. अभी तक इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था आपके होने ना होने से या इस रिश्ते के होने ना होने से, लेकिन अब फ़र्क पड़ रहा है. और ये जादू किस चीज़ का है? फुल मून का है. मुझे लगता है फुल मून जो भी होता है ना, हर मंथ जो फुल मून आता है, ये बहुत मैजिकल होता है, क्योंकि डेफिनेटली ये रिश्तों में बहुत बदलाव लाता है. आई हैव चेरिश्ड ऑल द मेमोरीज वी शेयर टुगेदर. सेल्फ लव एंड कन्फ्यूजन. डेफिनेटली इनके पास आपके मेमोरीज है, और वो मेमोरीज ही है जो दूर रहकर भी इस पर्सन को हेल्प करती है कि ये जिंदा रहे, खुश रहे, अपने आप को हील करे, खुद से प्यार करे. और फिलहाल ये जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में इनकी जगह क्या है, आपके दिल में इनकी क्या जगह है, क्या आप इनको वापस चाहते हो, क्या आप इस रिश्ते को चाहते हो, क्या आप चाहते हो ये रिश्ता आगे बढ़े, क्या आप इस रिश्ते का फ्यूचर चाहते हो. दे वॉन्ट टू नो वाई इज़ आई एम कमिंग बैक सून विद अ सॉलिड ऑफर हियर, रिग्रेट एंड अंडरस्टैंडिंग. ये आ रहे हैं गाइज. हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी फुल मून पे या उसके बाद ये पर्सन आ चुके हैं आपके लाइफ में. बहुत रिग्रेटफुल एनर्जी में आपके पास आए हैं और सॉलिड ऑफर लेकर आए हैं आपके पास या आने वाले हैं. ओके तो जब ये नेक्स्ट आपसे बात करेंगे अभी, तो एक्सपेक्ट करिए कि पर्सन आपको सॉरी बोलेंगे, माफ़ी मांगेंगे अपनी गलती के लिए, और अपना जो इनको बुरा लग रहा है ना इस सिचुएशन के लिए, जो भी हुआ या जो भी उन्होंने किया, उसके लिए डेफिनेटली ये माफ़ी मांगेंगे, सॉरी बोलेंगे, और ये दुख जाहिर करेंगे कि उन्हें रिग्रेट है कि जो भी हुआ या जो भी हो रहा है. और उन्हें ये भी समझेगा कि आप कहीं गलत नहीं थे, वो आपको समझेंगे. बेसिकली दे विल अंडरस्टैंड यू. ओके या कह सकते हो उनको अब समझ आ चुके हो, ठीक है. आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स, मिस्टेक्स एंड रीयूनियन. देखो गलतियाँ इतनी कर दी है ना इस पर्सन ने,
कि उन्हें एक मौका तो डेफिनेटली आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप मौका दोगे उनको अपनी गलती सुधारने का, लेकिन उनको ये भी पता है कि उन्होंने गलती इतनी कर दी है कि शायद ही अब आप उन्हें माफ़ करोगे, बट रीयूनियन उनका दिल, देखो उनको ना जब भी वो आपसे दूर जाते हैं उनको ये चीज़ पता होती है दिल ही दिल में कि वो आपके पास लौटेंगे, फिर भी पता नहीं कि वो ये पर्सन आपसे दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो रीयूनियन तो कुछ लोगों का जैसे मैंने बोला हो चुका है और कुछ लोगों का होने वाला है। कांट इवन स्टैंड आइडिया ऑफ यू बीइंग विद समवन एल्स। रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यहाँ पे, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है ईगो। यस, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन फुल मून के बाद से आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए हैं, आपको खोने से डरने लग गए हैं, क्योंकि इन्होंने आपको डेफिनेटली फॉर ग्रांटेड लिया है और अब इनको इतना डर, इनके दिल में इतना डर बैठ चुका है आपको खोने का या आपको किसी और के साथ देखने का कि इनको लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि ये ना कंफ्यूज दिख रहा है मुझे कि मैं क्या करूं, मैं अपने ईगो की बात मानूं या मैं इस पर्सन को अपने लाइफ में वापस लाऊं, यू नो कुछ करूं इस रिश्ते के लिए, क्योंकि आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकते लेकिन इनके ऊपर मे भी कोई प्रेशर है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ और चीज़ है इनके लाइफ में जो ज़रूरी भी है। क्योंकि एक वक्त था इन्होंने सब कुछ इसलिए ख़राब कर दिया क्योंकि इनको लग रहा था कि आपसे भी ज़्यादा ज़रूरी कुछ और चीज़ है इनके लाइफ में, चाहे फिर वो उनका ईगो हो, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है उनके फैमिली की या करियर की, ठीक है। आई थिंक यू हैव मूव्ड ऑन विद समवन एल्स। सैबोटेज एंड इनडिसाइसिव, ये पर्सन अगर अभी भी जब आप ये वीडियो देख रहे हो फुल मून के बाद, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो अभी तक भी अगर इस पर्सन ने कोई एक्शन नहीं लिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से अपने आप को रोक रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि आप मूव ऑन हो गए हो किसी और के साथ, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से वो दूर है आपसे या फिर आपके पास नहीं आ रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ओके एक्शन नहीं ले रहे हैं। उनको पता है कि आप उनको मिस कर रहे होंगे और ऐसा हो ही नहीं सकता आपके, आप मूव ऑन कर जाओगे, लेकिन पता नहीं क्यों शक बैठ गया इस पर्सन के दिलो दिमाग में। यू आर द वन टू ब्लेम फॉर व्हाट हैपेंड। देखो रियूनियन तो होगा लेकिन ये आपको भी ब्लेम करेंगे कि कुछ गलती तुम्हारी है, तुमने भी कुछ गलतियाँ करी, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी कुछ गलती ही नहीं थी, बट वो अपनी भी गलती मानेंगे कि मैंने तुम्हें निगलेक्ट किया या मैं तुम्हें वो नहीं दे पाया जो तुम डिज़र्व करते थे, वो प्यार नहीं दे पाया, वो अटेंशन नहीं दे पाया, ओके बट अगेन आएंगे तो आपके पास ही, ठीक है। देयर इज नथिंग लेफ्ट टू से बिटवीन अस नाउ, केमिस्ट्री एंड डिसऑनेस्टी। देखो आप दोनों को ना एक दूसरे से बात करने के लिए ना शब्दों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप दोनों के बीच में पैशन बहुत है, केमिस्ट्री एक टेलीपैथी है, आप दोनों को आप दोनों एक दूसरे से बात किए बिना भी एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ जाते हो, ओके एंड मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि इनको जो आपके लिए फील हुआ है या होता है वो किसी के लिए फील नहीं होता, इसीलिए कहीं ना कहीं उन्हें पता है, मतलब क्योंकि इस पर्सन ने पास में इतनी गलतियां कर दी है, इतना झूठ बोल दिया है, इन्हों रिश्ते को इतना ज़्यादा स्पॉइल कर दिया है कि अब वो किस मुंह से और क्या बोलेंगे आपको, उन्हें लगता है कि आप कुछ बोलने लायक नहीं बचा। यू आर ऑन माई माइंड 24/7, ईच सेकेंड आई मिस यू, सोल टाई एंड अनवर्दी। यस, सोल कनेक्शंस ही ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप सोचना चाहकर भी बंद नहीं कर पाते, सो डेफिनेटली इनको हर भले ही आपसे दूर होते हैं और इस वक्त भी आप रीडिंग देख रहे हो, अगर वो आपसे दूर है फिर भी वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, हर सेकंड वो आपको मिस कर रहे हैं, 2400 घंटे और हफ्ते के साथ तो दिन मिस कर रहे हैं क्योंकि आपके साथ उन्हें कनेक्शन फील होता है, और बट वो इसलिए भी दूर है आपसे क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आप मूव ऑन हो गए हो तो मे बी आपने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया होगा और जिस भी पर्सन के साथ आपने मूव ऑन कर लिया है मे बी वही आपके लिए सही इंसान है, तो ये सैक्रिफाइस वाले मोड में भी है थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपको किसी का होने देंगे, ये आपको किसी का नहीं होने देंगे, ओके ये इनका जो भूत है ना सिर पे, तुम्हारे लिए वही बेहतर है, आगे बढ़ जाओ भूल जाओ, ये उतर जाएगा।
टाइम विल हील बोथ ऑफ अस फ्रॉम दिस अनबेरेबल प्लेन. यस, उनको लग रहा है कि आपको इग्नोर करके या आपको सैक्रिफाइस करके चीज़ें ठीक हो जाएगी, लेकिन जितना ज़्यादा वो आपको इग्नोर करेंगे, उनको पता है कि चीज़ें बद से बदतर होती जाएगी और वो आपको खो देंगे फॉर एवर. क्योंकि पास्ट में भी आपके लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, इग्नोर किया आपको, ये जानते हुए भी कि आपके जैसा कोई नहीं है और ना कोई उन्हें आपके जैसा कभी मिल सकता है, उन्होंने रिस्क लिया आपके साथ. सो आने वाले समय में ये पर्सन टाइम देंगे आपको भी हील होने के लिए, जो भी उन्होंने आपके साथ किया पास्ट में, और ख़ुद को भी टाइम देंगे हील होने के लिए, जो भी उनको रिग्रेट या जो भी पछतावा, डर, एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी से बाहर निकलने के लिए. क्योंकि वही बोला जाता है ना कि वक्त सबसे बड़ा हीलर है, वक्त सब कुछ ठीक कर देता है. सो कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, शेयर नहीं करते एंड सब्सक्राइब नहीं करते. नहीं हो तो चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करो. सो कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट, जैसे मैंने समझाया वीडियो की शुरुआत में, आपके बेनिफिट के लिए ही है. तो चाहे तो सिर्फ करियर के लिए चाहिए तो आप सिट्रीन भी ले सकते हो, सिर्फ मनी के लिए चाहिए तो पायराइट ले सकते हो, सिर्फ गुड लक के लिए चाहिए तो ग्रीन एवेंचराइन ले सकते हो, बट अगर एक बूस्टर पैक चाहते हो तो तीनों ले लो. ठीक है. सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो. बाय, लव यू गाइज़.